हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपसे लव है या सिर्फ अट्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी हैं या नहीं। जैसे एक हार्ट, चाहे आप लोगों के बीच कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव पर्सन है या नहीं। ठीक है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशन लेकर आता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट की एक थिंकिंग लेकर आता है, या आपके लिए ये जेन्युइन और एक लॉयल पर्सन है। ठीक है, आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया, तो रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। क्या ये पर्सन आपको लव करता है? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के, ये क्या है भाई, लवर्स? ओके, लव तो करता है, अब मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, या तो या सिर्फ ये अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन है? भाई यहाँ पर आप लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है। यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है एंड इट्स ऑल गुड। ठीक है, पास्ट में कुछ अच्छा था या नहीं था, लेकिन अभी के लिए, अब जो भी, अब जो एक रीसेंट, राइट नाउ, ठीक है, अभी इस टाइम का अगर आप पूछते हैं तो यहाँ पर इट्स ऑल गुड। चीज़ें, परसेप्शन, इस पर्सन का आपको देखने का तरीका, नज़रिया, सब बदल रहा है। पास्ट में ये एक प्लेयर रहा है, पास्ट में एक नेगेटिव पर्सन रहा है, पास्ट में इसकी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी रही है, पास्ट में इसने आपको बिट्रेयल दिया है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से चला है। ठीक है, इसने आपको हमेशा एक डिच दिया है, हमेशा इसने आपके साथ कुछ ना कुछ, आपके साथ किसी और को डील करता रहा है। आप इसके लिए एक ऑप्शन की तरह रहे हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे इसने, पर्सन ने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा अपनी लाइफ में। ठीक है, एक एक्सप्लोर करने के बाद ये पर्सन आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, पॉजिटिव होना चाहता है। ठीक है, आपके साथ लॉयल होना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन ने इस चीज़ को नोट किया, आपके जैसा पर्सन कोई नहीं है। बहुत बहुत रेयर ऐसे पर्सन होते हैं जो आपके जैसा मिल जाए। ठीक है, पास्ट में बेशक ये नेगेटिव रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पर रही है, क्योंकि ये डार्क साइड से आता है। इसकी डार्क एक्टिविटीज, एडिक्शंस, नेगेटिव एडिक्शन हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ बैठना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रखना, अब्यूजिव वर्ड, अब्यूजिव लैंग्वेज, सब कुछ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन कुछ आपके लिए पॉजिटिव रखता है। परसेप्शन चेंज है, दुनिया को देखने के बाद आपको देखता है तो आपकी लाइफ में आपको लेकर ये बहुत सेटिस्फाई फील करता है। इसको ऐसा लगता है ये ट्रस्ट कर सकता है आपके ऊपर। ठीक है, एक ट्रस्ट कर सकता है आपके ऊपर। इनर जर्नी, इसने अपनी लाइफ में इनर जर्नी देखी है, आपको लेकर जब से आपसे कनेक्ट हुआ ये अपनी इनर जर्नी पे गया है। इसने अपने अंदर की डार्कनेस को फेस किया है आपके आने के बाद। ठीक है, मतलब कि आप इसकी जिंदगी देखें, रीयूनियन ऑफ सोल, ओ माई गॉड। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक रीयूनियन ऑफ सोल, आपने इसकी सोल से रीयूनियन कराया है। ठीक है, एक सोल से, एक सोल सोल टच दिया है आपने इसको। ठीक है, बहुत एडिक्शन वाला इस पर्सन का माइंड था, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड था, बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन इंसान को इंसान नहीं समझता था। एक डिसरिस्पेक्ट करना, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक रहना, बहुत ज्यादा एब्यूजिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्लेयर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक के साथ ये 10 के साथ बात करे। ठीक है, नेगेटिव एडिक्शन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ए टू जेड। ये पर्सन जब आपसे मिला है, इसकी लाइफ अलग थी, और ये जो आज पर्सन है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इसको भाई रिट्रीट, न्यू बिगनिंग, मुझे आप लोग के कनेक्शन में ग्राउंडिंग, अगर कोई ग्राउंडिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, जैसे अभी सीड प्लांट करना चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन का। ठीक है, यहाँ पर रिट्रीट की एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ये आपने जब इस पर्सन को चूज करा है तो आप सोच भी नहीं सकते कितना नेगेटिव था। आपने बहुत अपनी तरफ से, जैसे एक बहुत पॉजिटिव और एक राइट पर्सन चूज करा होगा, लेकिन ये पर्सन एक डार्क डार्क साइड से बिलोंग कर रहा था। इसकी फेस पे एक मार्क्स था। ठीक है, ये आपकी तरफ जो कनेक्ट हुआ था, नेगेटिव एनर्जी, एक ये आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर कनेक्ट हुआ था।
ठीक है, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लेयर पर्सन है, अगर ये अट्रैक्ट हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा मेस्मराइज करने वाली होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। लेकिन जब ये आपसे कनेक्ट हुआ तो उसने जाना, ओ आप तो एक बिल्कुल ही एक अलग दुनिया के इंसान है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, मतलब कि ये आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हुआ था एक दुनियादारी की तरह अट्रैक्ट हुआ था, इसने जैसे ऐसे ही अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका था, बना चुका था, और ये पर्सन मुझे मिच्योर लग रहा है, एक्सपीरियंस होल्डिंग होल्डर है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, मतलब कि एक्सपीरियंस मतलब इसके पास रिलेशनशिप रह चुके हैं, ठीक है। ट्रुथ, आपको ट्रुथ नहीं पता था इस पर्सन का, ठीक है, मैं इतना बता दूं, आपको ट्रुथ नहीं पता था, इसका ट्रुथ यही है, बहुत ज्यादा डार्क साइड से बिलोंग कर रहा था, इमोशनल रिलीज, ठीक है, आपके लिए इस टाइम पे ये इमोशंस है, इमोशंस रखता है, इमोशनल फील करता है, आपने इसके इमोशंस को जैसे सरफेस पे लेकर आए, आपने वो काम करा है जो सोए हुए इमोशंस थे, जो एक लॉयल लव, ऑनेस्ट पर्सन, एक किसी के साथ जेन्युइन रहना क्या होता है, उस चीज़ को आपने हिलाया है आके, ठीक है, उस चीज़ को आपने जैसे इसको बताया है कि एग्जिस्ट करता है आज भी ट्रू लव इस दुनिया में, ठीक है, एक सोल टू सोल कनेक्शन आज भी एग्जिस्ट करता है, आपने जैसे ऐसा बाउंड है आप दोनों के बीच जैसे इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, अगर आप किसी को बताएंगे कि आपका कनेक्शन किससे है, आप लोग के कनेक्शन में क्या था, नो वर्ड्स, ठीक है, आप लोग क्या किस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहे थे, नो वर्ड्स, क्योंकि ऐसी चीज़ आपने निभाई है जो आपके पास, जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, जिसकी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि एक इनर जर्नी, एक सोल सोल कनेक्शन, सोल एक स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, ठीक है, जिस इस पर्सन का आपने नजरिया बदला है जिंदगी को देखने का, दुनिया को जीने का, एक लव में एक जैसे अनकंडीशनल होने का, ठीक है, इसके लिए ये सब मायने नहीं करता था, ठीक है, फॉरगिवनेस, किसी तरीके की माफी मांगना चाहता है, ठीक है, इसने इसके कुछ ऐसे पैटर्न रहे हैं, इसका कोई ऐसा बिहेवियर रहा है, इसके कोई ऐसे अब्यूजिंग वर्ड, या ऐसा इसने कुछ आपसे कहा है जिससे ये माफ, मुझे बस वर्ड्स सुनाई दे रहा है, इसने किसी किसी वर्ड्स की वजह से अपने माफी मांगना चाहता है, इसने कुछ आपको ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप बेहद हर्ट हुए थे, या इसके साथ जुड़े लोगों ने ऐसा कुछ आपको कहा है जिससे आप बेहद हर्ट हुए थे, और वो वर्ड इसके थे, इसने वो वर्ड लोगों को आपके सामने लोगों को कहे थे आपके लिए, ठीक है, कुछ ऐसा था, माफी मांगना चाहता है पर्सन, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, आप बहुत ज्यादा साइकिक एबिलिटीज रखने वाले पर्सन है, ठीक है, आप बहुत प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्शन आपको आती है, या तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा जैसे एक साइकिक एबिलिटीज, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इंट्यूशन, ठीक है, आपकी आपकी इंट्यूशन आपसे कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग, आप बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है, आपने किसी चीज़ के लिए इसको रोका था, किसी चीज़ के लिए आपने इसको कहा था कि मत करो ऐसा, ठीक है, टीच करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक बेवकूफ़ अहमक इंसान समझता आया, ठीक है। स्लो बट स्टडी, आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ ग्रोथ बहुत मुश्किल हुई है, इस कनेक्शन में स्लोली हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस रहा है, आपको तो इस पॉइंट पे तो ऐसा लगता होगा, अगर आप आज भी इस कनेक्शन में हैं, या तो आप आज भी इस पर्सन जैसे कुछ होना ही नहीं है, ये वो पत्थर है जिसके ऊपर आप सर पीटे जा रहे हैं सालों से, ठीक है, आप इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, आपने एक टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन उठाया इस कनेक्शन पर, अब आप एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, स्लो बट स्टडी, आपने भी बहुत कुछ लर्न करा है स्लो बट स्टडी, लेकिन आप लर्निंग करके जो है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता आप इस कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं, स्लो बट स्टडी, कनेक्शन तो स्लो चला है लेकिन आपकी एनर्जी में एक स्लो बट स्टडी लग रहा है मुझे, आपकी साइकिक साइकिक डेवलपमेंट कह रही है, आपकी टीच जो आपने सीखा, आप जो लर्निंग करी है, अगर इसकी इनर जर्नी रही है तो आपकी भी इनर जर्नी रही है, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको निकलना चाहिए इस कनेक्शन से, वॉक अवे करना चाहिए, जॉय जॉय की एनर्जी है, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक रवा दवा जिंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं, ठीक है, आप क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हैं अब इस कनेक्शन को, इस पर्सन को, ये नहीं आता ना आए, इसको अपना थॉट प्रोसेस नहीं बदलना, नहीं बदले, पहले तो आपको ऐसा लगता था ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आपने इसको बेहद अनकंडीशनली लव दिया, आपकी सपोर्ट इसके लिए बेहद रही है, ठीक है, फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक वे में, इमोशनली, आपने हर तरीके में इसको सपोर्ट किया, लेकिन ये पर्सन आपके लिए लविंग एनर्जी इस वक्त फील करता है, आपके लिए आपका एक वेल विशर है, ठीक है, दिल से ये आपका कभी भी गलत नहीं कर सकता, ना गलत कभी चाह सकता है, ठीक है, इस वाली एनर्जी में, न्यू डे,
कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा जैसे एक अपनी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत अपने तरीके से इस कनेक्शन को चलाना चाहता है, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप इसके, इसको एंगर इशू है, शॉर्ट टेम्पर है, ईगोस्टिक है, अपने ईगो को डाउन नहीं कर सकता, रिट्रीट करना चाहता है लेकिन अपने ईगो की वजह से इस कनेक्शन को जैसे एक रीस्टार्ट देना चाहता है, लेकिन आप ये चाहता है आप इसके तरीके से चलें, ये आपको, ये आपके ऊपर एक अपने डोमिनेशन को, एक अपने जिसे बहुत इसको पीस मिलता है, एक डोमिनेट जो आपको जो डोमिनेट करता है इसके लिए बहुत एक अंदर से पीसफुल एनर्जी इसको मिलती है, ठीक है। ये आपके ऊपर अपना हक जताना चाहता है क्योंकि आपने इसको ऐसा मौका दिया है, ठीक है, आपने इसको कम्प्लीटली अनकंडीशनली लव इतना करा है कि आपने जैसा ये कुछ करे ना करे लेकिन इसका हक आपने हमेशा इसको दिया है, जैसे आप इसको बोला है, ठीक है, कि मतलब कि बोला नहीं, आपका एक इस तरीके का वन साइडेड कनेक्शन आपने इस पर्सन से निभाया है कि ऐसे सिखाया आपने इसको जैसे एक माँ सिखाती है अपने बच्चे को, ठीक है, हर गलती माफ, हर खता माफ, हर पॉइंट पे माफ, हमेशा आपने इसको माफ करा है, जब भी आया आपने पास पे बात नहीं करी, आपने पास को लेट गो करा, आपने बोला शायद अब बदल जाएगा, ठीक है, आपने इसको हक दिया, ये अब देखता है क्या शायद आप इसके हाथों से निकल रहे हैं, ठीक है। एक टाइम था कि इसने आपको कंप्लीटली कंट्रोल करता, ठीक है, मतलब कि आप हाँ बोलते तो हाँ, ना बोलते तो ना, वो वाली एनर्जी रही है, ये मिसिंग एनर्जी, इसको ऐसा लगता है आप पे हक है इसका, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती ये, वो वाली एनर्जी है, ठीक है, डोमिनेट करना चाहता है, पोजेसिव है ये आपके लिए, ये नहीं चाहता कि आप इसके अलावा कहीं और जाएं, ठीक है। इस पर्सन को लव है या अट्रैक्शन मेरे व्यूवर्स से, लेट्स सी भाई। पास्ट मुझे कुछ खास इसका लग नहीं रहा, आपने इसको जैसे एक अनकंडीशनल लव, प्योर लव की पहचान कराई है, तब इसको आपसे लव हुआ है, आपने अपनी ज़िंदगी के अहम अहम साल, अहम हिस्सा इसको दिया है ये, वरना एक प्लेयर और एक एडिक्शन वाला, बिल्कुल ही आपने एक लिटरली एक प्लेयर को चेंज करा है, एक प्लेयर को चेंज करा है, एक प्लेयर के अंदर आपने इमोशंस को डाला है, जो आए दिन अपनी लाइफ में कभी किसी से, कभी ये वो तितली है जो कभी किसी फूल पे होती है तो कभी किसी फूल पे होती है, आपने ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में एक परमानेंट करा है, आपने ऐसी छाप बिठाई है, ये जानता है, ठीक है, इसको आप लक से मिले हैं, पता नहीं इसने क्या अपनी लाइफ में ऐसा किया था, ये जब अकेला बैठता है तो सोचता है मैंने ऐसा क्या किया था जो आप आए इसकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन इसने ये आपके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर चुका है, बात सारी ये है, ठीक है। आपके पर्सन को आपसे लव है या तो यहाँ पे अट्रैक्शन, खाली पैशनेटिव और एक अट्रैक्टिव कनेक्शन है, ठीक है। मेरे व्यूअर के पार्टनर को उनसे लव है या सिर्फ एक पैशनेटिव और अट्रैक्टिव कनेक्शन है। आपके पर्सन को आपसे लव है या अट्रैक्शन है भाई, किसी चीज़ की इसको माफ़ी मांगनी है भाई, आप इसकी लाइफ का एक एक ऐसा हिस्सा है जिस सिर्फ एक वाहिद वो सुबह है जो हर रोज देखना चाहिए, ठीक है, एक वाहिद वो मॉर्निंग है आप इसकी ज़िंदगी की, एक वो हैप्पीनेस है, एक एक वो इसकी एक चाइल्डिश एनर्जी, आप इसका एक चाइल्डहुड हील करते हैं, ठीक है, आप इसका चाइल्डहुड हील कर रहा है, देखिए मैंने कहा ना एक एम्परर, देखिए डोमिनेटिंग एनर्जी, डोमिनेट करना चाहता है, जानता है आप एक चाइल्ड लाइक इंसान है, आप एक चाइल्ड लाइक पर्सन है, ये आपको कंट्रोल करना आसान है, ठीक है। ये खुश भी बहुत ज़्यादा होता है और कभी शो नहीं करता, देखिए आपके साथ कैसा कनेक्शन फील करता है, सिक्स ऑफ कप, आप इसकी मेमोरी का, आप इसकी यादों का, आप इसकी लाइफ का वो पार्ट हैं जो ये कभी भी ये सोचता है कि ये कभी भी इस चीज़ को अपनी चाकर भी अपनी ज़िंदगी में कभी ये कभी कुछ भूल नहीं सकता, कुछ लिखने बैठे तो, अपनी डायरी लिखने बैठे तो ये हिस्सा स्किप नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा है, इसकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक लाइट और ब्लैक में, वाइट और ब्लैक में इसने डिफरेंट डिफरेंस करना सीखा है, जो दोनों में एक जो डिफरेंट होता है ना, कि मतलब कि आप जो डेफिनेशन होती है ब्लैक एंड वाइट की, वो आपने सिखाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, नहीं चाहता इसको पता चले कि ये आपको मिस करता है, नहीं चाहता इस पर्सन आपको पता चले कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ये नहीं चाहता, अपने इमोशंस भी हाइड करता है, जो इसने अपनी इमेज आपके सामने पोर्ट्रे किए वैसे ही रहता है, कोल्ड डिटैच, जैसे डोमिनेटिंग, मुझसे बात मत करो, काम की बात करो, इसके अलावा कुछ मत बोलो, ठीक है। वेट,
कंट्रोल कंट्रोल इसके लिए कंट्रोल बहुत अहम है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट टेम्पर पर्सन है, इसके लिए कंट्रोल अहम है। ये कंट्रोल करना चाहता है आपको, ठीक है। ये नहीं चाहता आप इसके कंट्रोल से बाहर निकले। ये आपको लव तो करता है, लेकिन ये चाहता है आप इसके तरीके से चले। आपने बहुत वेट करा, बहुत इन्वेस्ट करा इस कनेक्शन में, बहुत वेट करा, 7 साल वेट करा, 6 साल वेट करा, 6 साल इन्वेस्ट करा, ठीक है। वन साइडेड आपको लगता है, ठीक है। आप बहुत मेंटली स्टक हैं इस पर्सन की वजह से, मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार हैं। आपको कहीं और वो सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है, और उस किसी तरीके से पर्सन आपको उस तरीके से अप्रोच नहीं करता। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, मुझे कोई और एक पर्सन दिखाई दे रहा है जिस जो आपकी तरफ अट्रैक्ट है, जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। मुझे कोई और एक इंसान दिखाई दे रहा है जो अट्रैक्ट है आपकी तरफ, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आपके ऑप्शंस में से वो पर्सन है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। लेकिन आप किसी कोई ऐसा ही पर्सन है जो मैरिज मटेरियल है, लेकिन आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, ठीक है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। चाहे आपको कोल्ड लगता है, डिटैच लगता है, चाहे कुछ भी लगता है, लेकिन आपको लुक्स भी इसकी पसंद है, एटीट्यूड भी इसका पसंद है, डोमिनेशन भी इसकी पसंद है। वो जो पर्सन है जो आपकी चॉइसेस में से आपको मिल रहा है, वो भी एज में बड़ा है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। कोई तो पर्सन है जो जिससे आपको ऐसा लग रहा है, जो जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके साथ, ठीक है। आप लोगों को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के ही साथ बहुत ज़्यादा फील करना चाहते हैं अपना लव। आपने बहुत टाइम वेट करा इन शिप्स का अराइव होने का, ठीक है। बहुत साल लगे हैं, आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि कनेक्शन में कुछ चेंज आए, इस कनेक्शन में कुछ चेंज आए। आप लोगों से डिफेंसिव रहते हैं सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से, इस पर्सन की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से। आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहते हैं। आपके पर्सन को आपसे लव है, या भाई ये पर्सन आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, स्ट्रांगली पर्सन चाहता है आपके कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना, ठीक है। ये बहुत एक पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ है। ये आपके साथ अब ट्रुथ ट्रुथ सच पे रहना चाहता है। अगर इसने अपने पास में बहुत सच छुपाया है, तो जब भी मुंह खोलेगा सच बोलेगा, ठीक है। अब आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने जो आपके साथ अब्यूजिंग और मिसबिहेव करा, उसकी माफ़ी इस पर्सन को मांगनी है, ठीक है भाई। ये लॉयल और कमिटेड और ऑनेस्ट होना चाहता है आपके साथ एक राइट वे में, बिल्कुल। आपको इमोशनली कोई सॉरी अपॉलोजी करना चाहता है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने इस पर्सन को, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक दफ़ा एक इसका कन्फेशन सुनना चाहते हैं। आपका दिल बेकरार है इसका एक कन्फेशन सुनने को, क्योंकि आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, ये आपको चाहता है, बस बोलता नहीं है, ठीक है। ये अनकन्फेस्ड भी लव हो सकता है। आप हार्ट ब्रोकन हैं, बेहद पेन में हैं, आप इस वजह से बहुत पेन में, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ वो बैलेंस नहीं किया, वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं। आपको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत टावर मोमेंट, आप लोग के कनेक्शन में टावर मोमेंट कोई ना कोई चल रहा है जो रिजॉल्व नहीं हुआ। 1 साल से आप लोग डिस्टेंस पे हैं, बात होती है, रुक रुक कर बात हो रही है, एक सेपरेशन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से कोई मुझे टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। आप चाह रहे हैं आप बैलेंस आ जाए, ठीक है, आप चाह रहे हैं बैलेंस आ जाए। बहुत हार्ट ब्रोकन रहे, आपका हार्ट चक्रा इतने टाइम में हील हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप इस पर्सन का किसी तरीके का कन्फेशन सुनना चाहते हैं। इस पर्सन के साथ आप फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। आपके इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा भाई? ये पर्सन आपके लिए बहुत जेन्युइन है, लविंग है, आपको दिल से चाहता है, लेकिन कहता नहीं है, वो अलग बात है। और आप बेकरारी से इस पर्सन की कन्फेशन सुनना चाहते हैं। इस पर्सन का एक एक्सप्रेशन ऑफ लव जब भी आपको देगा, आप वो चीज़ सुनना चाहते हैं, ठीक है। क्या कोई एक्शन लेगा ही मेरे व्यूवर की तरफ? बिल्कुल लेगा भाई, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रो और ये एम्प्रेस, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह दिखता है। प्लीज़ अगर यहाँ पर आप इनफ मिच्योर नहीं है, ठीक है, एम्प्रो हमेशा अपने अपनी एम्प्रेस के साथ ही मैरिज करता है, एम्प्रो हमेशा अपनी एम्प्रेस को ही चूज करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके पास इनफ मिच्योरिटी नहीं है, आपके पास जैसे इफ एक अपनी क्रिएटिविटी, अपने पर काम करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर सेल्फ वर्क करें, ठीक है, अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करें। जितना आप अपनी सेल्फ पे वर्क करेंगे, उतना अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बिल्कुल ही आपकी तरफ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, क्योंकि खुद एम्प्रेस। देखिए यहाँ पे लवर का कार्ड दोबारा आ गया, चाहे कोल्ड है डिटैच, मुझे यहाँ लग रहा है पर्सन बहुत कोल्ड डिटैच वाइब दे रहा है, लेकिन ये आपके लिए एक लविंग एनर्जी रखता है। उसको जैसे इस पर्सन को जैसे एक शाय एनर्जी हो सकती है, एक शाय फीलिंग हो सकती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना आता, किसी किसी को नहीं कर पा रहा बहुत टाइम से एक्सप्रेस। देखिए बर्डन है इसके ऊपर कि एक्सप्रेशन ऑफ लव देना चाहता है। इसको आपसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं की जा रही इस पर्सन से, ठीक है। हील कर रहा है खुद को, इस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है ये पर्सन। बिल्कुल आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा, लीप ऑफ फेथ, हीलिंग कंप्लीट होने दें, एक लीप ऑफ फेथ आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इंट्यूशन से कनेक्टेड है, ये खामोश हुआ हुआ है, ठीक है।
बहुत ज्यादा खामोश हुआ हुआ है, ठीक है। ये चाहता है पास्ट की माफी मांगे आपसे जो इसने पास्ट में किया, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। आपके लिए बहुत आपको एक लविंग पार्टनर की तरह देखता है, आपको बहुत ज्यादा एक लाइक अ एंजल, ठीक है, जिसने सिर्फ इसको प्यार दिया है, आगे बढ़ना चाहता है ये आपके साथ एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करे, पास्ट को खत्म करे, पास्ट चीजों को एंड करे, एक न्यू चैप्टर में एंटर करे और आपके साथ करे, ठीक है। ये हील कर रहा है खुद को, ये पास्ट में आपको छोड़कर गया था, ठीक है, इसने आपको सडनली कहीं ना कहीं से ब्लॉक किया था, वॉक अवे किया था, ये आपको पास्ट में बिट्रियल देकर गया था, आपको इमोशनली रोता धोता छोड़कर चला गया था, क्योंकि उस वक्त इसको नहीं पता था कि इस यहाँ पर ये इतना फील करता है, ये इतना लव फील करता है, ये अब इस वक्त ओवरफ्लो इसके इमोशंस हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके पार्टनर के ओवरफ्लो इमोशंस से जो ये आपको छोड़कर गया था उसके ऊपर जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि एक वही लव वही इमोशंस ये आपके लिए फील करता है जो इसके जाते हुए आपके पास थे, ठीक है। आप लोग के बीच दूरी है तो ये बेचैन है अंदर से, ये अपने दिल को आपके साथ हल्का करना चाहता है, बातें करना चाहता है, बहुत ज्यादा बैक टू बैक कम्युनिकेशन करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे बात करके ये पर्सन हील हो जाएगा, ठीक है, हीलिंग मिलेगी इसको, ठीक है। ये मैरिज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है आजकल, ठीक है, आपके साथ किसी कमिटमेंट चीज के बारे में, कमिटमेंट मैरिज के बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों होपफुल नहीं है इतना, इसको ऐसा लग रहा है अगर नहीं हो सका तो ये सब कुछ, ठीक है, जैसे अगर ये आपको उस तरीके की कोई डेवलिश एनर्जी है इसकी लाइफ में जिसको कंट्रोल करती है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई डेवलिश एनर्जी है जो इसको आपकी तरफ कंप्लीटली आने नहीं देती, बिल्कुल। यहाँ पर कोई कोई चीज़ है जिसके जिसको जिसकी आपकी तरफ आने से पहले जिसको ही चाहता है कंप्लीटली वो चीज़ एंड हो जाए इसकी ज़िंदगी से, कुछ ना कुछ है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई इसका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, इसने किसी कार्मिक पार्टनर को एंटरटेन किया था, कार्मिक पार्टनर के साथ ये कनेक्टेड था, बिल्कुल। जो यहाँ पर पास में जो चीट हुआ बिट्रे हुआ वो इस कार्मिक पर्सन की वजह से हुआ, जो इसकी लाइफ में जिसकी बिल्कुल आप लोग की लाइफ में जो एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आई ना वो इस पर्सन की वजह से आई है, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा इन सब सिचुएशन के बारे में, ये चीज़ सोच रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है मैरिज, बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उस एनर्जी के बारे में आपको क्या बताएगा इसको ये चीज़ नहीं पता, ठीक है। ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहा है कम्प्लीटली, पेनफुल एंडिंग है, बहुत बुरी तरीके से, एक स्लीपलेस नाइट है, ये खुद को हील करना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये चाह रहा है कि इस सिचुएशन से ये खुद को हील करे। ये क्या सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में ये क्या सिचुएशन है, ओके ये वाला काट लेंगे भाई, ये सिचुएशन से निकलना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, बिल्कुल आपको कुछ स्टेबल और कमिटेड देना चाहता है, ठीक है। ये क्या है टू ऑफ कप्स की, तो आपकी तरफ की एनर्जी, ये क्या है भाई, आपसे किसी तरीके की माफी मांगेगा, इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया है, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने अपने पर वर्क कर रहे हैं, कोई यहाँ पर लड़की रही है, कोई मेल, अगर ये मेल है तो कोई एक ऐसी फीमेल रही है जो बहुत ज्यादा एक मैस्मराइज एनर्जी थी, जिसकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी थी, जिसकी तरफ ये अट्रैक्शन देखकर जरूर गया था, क्योंकि जब इस जब हाँ ये चीज ये इसने आपसे होल्ड बैक करी हुई है, ये आपको इस टॉपिक पे से आप इस पर्सन को आपसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको चीजें बातें पता चलती हैं तो सब मैस क्रिएट होगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी, जानता है इसने आपके साथ गलत किया था, ये चीज होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। आपके साथ अब फैमिली की तरफ जाना चाहता है, टेन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, लेकिन कंफ्यूज है क्या करे, जब आएगा तो ऑल ओवर क्लैरिटी देनी पड़ेगी, रेस्ट पोजिशन पे हील कर रहा है खुद को, ठीक है। क्लैरिटी है आपके लिए, अगर पास में नहीं थी तो इस टाइम है, इमोशनल हुआ हुआ भाई, देखें किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये आपके जैसा इंसान चाहता है, ठीक है, ऐसा पर्सन चाहता है जिसके साथ ये खुश रहे भाई, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, लेकिन इस चीज़ पे आपको अगर इसको फॉरगिव करना है तो एज यू विश, ठीक है, यहाँ पे फॉरगिवनेस चाहिए इस पर्सन को। क्लैरिफाई ये क्या है, क्वीन ऑफ फैंस, ठीक है, वेट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, की क्वीन ऑफ फैंस कौन क्यों कौन है, पीस एंड द स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, भाई चेंज, बिल्कुल ये कोई सिचुएशन रही है, कोई पर्सन रहा है जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ में एक ही साइकिल चलती रही है, डिवाइन टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग पे ये हिस्सा ये चैप्टर खत्म होना था इस पर्सन के साथ, क्लैरिफाई ड्यूलिटी, बिल्कुल ये आप में और किसी और में कंफ्यूज बहुत था, जब इसका आपके साथ कनेक्शन खराब हुआ हुआ था, ये आप बिल्कुल एंगर इशू इस पर्सन को इस टॉक्सिक पर्सन की वजह से, ये कोई टॉक्सिक पार्टनर है जिसके साथ इसके टॉक्सिक रिलेशन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू डे की एनर्जी है, ठीक है।
भाई कोई इल्यूजन वाली कंडीशन रही है, बहुत ज्यादा कोई डोमिनेट कर रहा था, कोई कंट्रोल कर रहा था, किसी कनेक्शन में जरूर था, ठीक है, ये उस चीजों से बाहर निकल रहा है, ये अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है, ठीक है, आपके पर्सन अब आपके और अपने कनेक्शन का डेथ बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कुछ कुछ खत्म कर कर आपकी तरफ आ रहा है ये पर्सन, कुछ एंड कर कर आपकी तरफ आ रहा है, और आपसे खुलकर बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि कम्युनिकेशन आपकी खुलकर होने वाली है। अगर ये वन साइडेड लव रहा है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, ठीक है, जिन्होंने एक वन साइडेड होकर इस कनेक्शन में स्टार्टिंग से अब तक कन्फेशन का ही वेट कर रहे हैं, सिर्फ फील ही कर रहा है कि पर्सन लव करता है, उनके लिए बहुत ज्यादा मैच होगी, ठीक है। वैसे डिंग को ऊपर रखते हो, डिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।